डाइटिशियन श्रेया कत्याल, फाउंडर ऑफ डाइट्स एंड मोर। आज हम बात करेंगे कुछ गुड इंडियन कुकिंग टेक्निक्स के बारे में। जैसे कि पिछले हफ्ते हमने डिस्कस किया था बैड इंडियन कुकिंग टेक्निक्स के बारे में, आज उसी की कंटिन्यूशन में हम आगे गुड टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे। नॉर्मली जब भी हम खाना बनाते हैं तो बहुत अलग अलग तरीके के मसाले, हर्ब्स एंड स्पाइसेस यूज करते हैं, जैसे कि दालचीनी हो गया, अजवाइन, जीरा, कड़ी पत्ता, हल्दी। तो इन सब के बहुत अच्छे मेडिसिनल बेनिफिट्स रहते हैं जो कि किसी ना किसी तरह हमारे को बेनिफिट करते हैं। तो ज़रूर इनको इंक्लूड कीजिए अपने खाने के अंदर जब भी आप तड़का बनाते हैं, दाल बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, और इनके बेनिफिट्स लीजिए। इसके अलावा अलग अलग क्यूजीन में हमें अलग अलग तरह की चटनी खाने की आदत होती है अपने खाने के साथ, जैसे कि हम धनिया पुदीने की चटनी खाते हैं, नारियल की चटनी लेते हैं। तो इनके साथ साथ आप ये देखिए कि जब आप धनिया पुदीने की चटनी लेते हैं, आप उसके अंदर लहसुन डालते हैं, अदरक डालते हैं, नींबू डालते हैं, तो इनके बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं और साथ ही साथ आपको एक चटपटा फ्लेवर आता है। नारियल की चटनी जब हम लेते हैं तो उसके अंदर हमें नारियल के हेल्दी फैट्स मिलते हैं, उसके अंदर हम राई का छोंक डालते हैं तो उसके बेनिफिट्स मिलते हैं, जो कि इन रूटीन हमारी डेली लाइफ में हमारी डाइट का एक हिस्सा नहीं होते हैं। तो इनको ज़रूर आप अपने साथ अपने मील्स का अकॉम्पेनियंट की तरह यूज़ कीजिया करिए। इसके साथ साथ हम खाना बनाते हैं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह का तड़का ज़रूर डलता है खाने में, और उस तड़के में हमेशा आपका अदरक और लहसुन एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रहता है। अदरक और लहसुन जो है इंडियन सुपर फूड के अंदर आता है, जिनके अपने बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, एंड डायरेक्टली अगर वो हमारी डाइट में नहीं जाता है या हमें नहीं पसंद होता है खाने में, तो इस फॉर्म में तड़के के थ्रू वो हमारी डाइट में जाता है और हमारे को उसके बेनिफिट्स मिलते हैं। ये सबके साथ साथ तो जब भी अभी इतनी गर्मी है, हमारे को कुछ ठंडा पीने का मन करता है, तो इंडिया में हमारे को इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं अपनी किचन में, जो कि हम फ्रेश बना के ले सकते हैं, जिनके थ्रू हमारे को न्यूट्रिशन भी जाता है और ना हम अनवांटेड कैलोरीज लेते हैं, जैसे कि लस्सी हो गया, छाछ है, साथ में जौ का सत्तू हो गया, नींबू पानी हो गया। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हम अपने घर पे फ्रेश बना के ले सकते हैं, रादर देन हैविंग एनी पैक्ड एंड प्रिजर्व फूड। जब भी आप लस्सी लें, ठंडाई लें, उसके अंदर ऊपर से आप भुना हुआ जीरा ज़रूर डालिए, ताकि उसका भी बेनिफिट आपको मिलेगा। और ठंडाई के अंदर आप बादाम डालिए, आप वॉलनट्स डालिए क्रश करके, उनका बेनिफिट भी लीजिए। तो ये ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी कुकिंग इंडियन टेक्निक्स हैं जो कि इंडिया में हमारे को मेजरली रहती हैं, तो इनका हमारे को रूटीन में यूज़ करना चाहिए और इनके बेस्ट बेनिफिट्स लेने चाहिए। तो इनको यूज़ कीजिए एंड हैव द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग एंड इंक्लूड अ गुड न्यूट्रिशन इन योर डाइट।